परिस्थितियां इतनी थी कि 2022 का जब रीट का आवेदन चालू हुए थे, तब घर में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि हमारे पास खाने के लिए दाने भी नहीं थे और एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, यह बात कोई मायने नहीं रखती। मायना रखती है उस सफलता के पीछे छुपी हुई एक दुख और संघर्ष से भरी कहानी। लोकल 18 आपको एक ऐसी ही संघर्ष से भरी सफलता की कहानी के पीछे ले जा रहा है, जैसे कि अभी हाल ही में जिग्नेश शर्मा की सरकारी शिक्षक बनने की कहानी। इस युवा शिक्षक की कहानी लोकल 18 इसलिए बता रहा है कि जिस वक्त इन्होंने शिक्षक बनने के लिए बीएड करने का प्लान बनाया, उस वक्त जिग्नेश के घर में खाने के लिए दानों के भी लाले पड़े थे। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले जिग्नेश के परिवार ने उन्हें 3 रुपए सैकड़े की ब्याज दर से ऋण लेकर बीएड तो जैसे तैसे करवा दी। लेकिन जब राजस्थान में रीट भर्ती के आवेदन मांगे गए, उस वक्त विपरीत परिस्थितियों के चलते जिग्नेश के पास फॉर्म भरने तक पैसे नहीं थे। मेरी पारिवारिक स्थिति तो शुरू से ही बहुत कमजोर रही है और मेरा जन्म गुजरात का है। पिताजी वहां से पढ़ाई के लिए हमको यहाँ पे पलायन करके ले आए थे, तो यहाँ पर आने के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं था। उसके बाद हमने हमारा जो जीवन है बचपन से ही संघर्ष में रहा है और मुख्य जो समय पे जो हमारा तैयारी का समय था पढ़ाई के बाद कॉलेज के बाद जो बीएड करने का जो समय आया था, तो बीएड के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो भी हमने 3 रुपए सैकड़े के ब्याज पे उधार लिए थे किसी से। जब जाके वो बीएड के लिए रो पाई, वो भी बहुत संघर्षमय रहा वो सफर मेरा जो संघर्षमय रहा। उसके बाद जब वो शुरू होती है कहानी मेरे एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम की तैयारी 2021 में मैं सबसे पहले रीट पहली बार दी थी, तो उसमें अच्छे खासे अंक होने के बाद वो रीट रद्द हुई थी। पारिवारिक स्थितियां बहुत कमजोर थी और परिवार को चलाने के लिए दो भाई हैं हम जो प्राइवेट नौकरी करते थे, तो जिसमें से मैंने तैयारी के लिए प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और भैया जो कि है एक बैंक में 10,000 रुपये की नौकरी करता और किराया भी मतलब मकान भी हमारा किराए का है, तो जिसमें क्या है कि हमारा आधा पैसा तो उसमें किराए में चला जाता था, आधे पैसे से घर चलाते थे। माता जी ने हमारी ने बचपन से ही हमको मतलब पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया कि उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया इसके लिए। माता जी ने हमारी ने मतलब कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी हमारा कभी हमको हमारा मनोबल नहीं टूटने दिया। वो जैसे कि कभी परिस्थितियां कमजोर रही तो उन्होंने स्कूलों में भी खाना बनाया जाके, और जैसे जो भी उनको लगा कि हाँ हमारे लिए वो जितना अच्छा कर सकती हैं, उन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया। 2019 में मैंने बीएड की, उसके बाद प्रथम प्रयास में मुझे ये सफलता मिली। मेरी जो ये सफलता है इसका श्रेय मैं अपनी माता जी को और अपने बड़े भाई को देना चाहूंगा। कहा है कि सड़क के किनारे वाली जो लाइन है, कौन सी सड़क के किनारे वाली जो लाइन है, उस लाइन की लंबाई नदी के किनारे वाली लाइन से कितनी है? दुगुनी है। कितनी है? दुगुनी है।